नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अंबाला में एडीसी ऑफिस में कष्ट निवारण बैठक हुई, जिसमें लोगों ने अपनी समस्याएं कष्ट निवारण बैठक मंत्री बनवारी लाल के समक्ष रखी। बैठक के दौरान कष्ट निवारण समिति की बैठक से जुड़े गैर सरकारी सदस्यों ने नगर निगम के एक जेई की ओर से एक शिकायत के संबंध में फोन न उठाने और न ही मामले से संबंधित कोई कार्रवाई करने के बारे में आरोप लगाया। इस मामले में सहकारिता मंत्री ने नगर निगम आयुक्त को मामले की जांच करने के निर्देश दिए। न्यू मॉडल कॉलोनी निवासी शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त विदु साहनी ने ग्रेजुएटी की राशि न मिलने के बारे में अपनी शिकायत रखी थी। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि संबंधित प्रार्थी को ग्रेजुएटी का लाभ प्रदान करवा दिया गया है। इस मौके पर उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी, पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा, नगर निगम आयुक्त प्रशांत पवार, अतिरिक्त उपायुक्त सचिन गुप्ता, SDM दर्शन कुमार, SDM ब्रजेंद्र सिंह, SDM सत्येंद्र सिवाच, नगराधीश मुकुंद, ASP पूजा डाबला, अधीक्षक अभियंता जन स्वास्थ्य विभाग मनदीप राणा, रितेश गोयल, संजय लाखड़ा, अनुभव अग्रवाल, एडवोकेट नम्रता गौड़, सुरेश सहोता के साथ साथ अन्य संबंधित अधिकारी गण और कर्मचारी गण मौजूद रहे। अम्बाला से हमारे विशेष संवाददाता सुरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। वो एक अधिकारी ना होने की वजह से तीन शिकायतें ही आज पाई थी कि जिसके अलावा जो उसके अलावा जो पहले ही डिस्पोज ऑफ कर दी जाती हैं, तो उसको लेकर भी रहेगा कि आप तक जो है शिकायतें जो है वो पहुंचे, जिस पर कार्रवाई हो या ठीक तरीके सेक्शन हो। सर, जो शिकायतें आप तक पहुंचती हैं उससे पहले ही उन्हें जो है उससे पहले टाइम पर निपटाया जाता है, तो उसको लेकर भी लोगों को परेशानी रहती है। तो आज भी कुछ ऐसे दिख रहा था कि पहले आपकी बैठक से पहले ही डिस्पोज ऑफ की जाती है, तीन शिकायतें ही आप तक पहुंच पाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ एक शिकायतें ऐसी होती हैं जो ग्रीवेंसेस के लायक नहीं होती। अगर वहाँ अगर उनका समाधान हो जाता है तो अधिकारी अपने लेवल पर करें, और ये अब अधिकारियों को मैं निर्देश देता हूँ कि भाई कुछ ऐसी शिकायतें जो लग जाती हैं तो ग्रीवेंसेस तक उसका निपटारा हो जाना चाहिए। सर, कुश्ती संघ को लेकर हरियाणा के खिलाड़ी धरने पर बैठे जंतर मंतर पर, अब जो है JJP भी उनके समर्थन में आती दिखे, सरकार ने भी काफी कार्रवाई की, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? देखो, इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, ई टेंडरिंग को लेकर सरपंच जी है 12 दिन से धरने पर है। देखो, ई टेंडरिंग का आपको पता है कि सरकार ने जो किया है उससे पारदर्शिता के लिए किया है, वैसे कोई लिमिट नहीं है। सरपंच 2 लाख तक अपने वैसे बगैर टेंडर के काम करवा सकता है, उससे ज्यादा अगर करवा सकता है, करवाना चाहता है तो ई टेंडर्स करे ताकि ट्रांसपेरेंसी आए। मंत्री जी, 2 माह आपने विचार किया है, एक विकास बिहार का मामला चल रहा है जो 16 करोड़ की बजाय 20 करोड़ दे दिए, तो वहाँ के लोग अभी भी सेटिस्फाई नहीं है इस मामले से, तो क्या उसको जो 50 मीटर का उठवाने की मांग कर रहे हैं? मैंने यही कहा कि अधिकारी उसको देखें, अगर मान लो संभव है तो उसको करें, उनकी तसल्ली करें जो डिपार्टमेंट कह दिया। नगर निगम में सर जो एक खतूली का मामला भी चल रहा है जिसकी निकासी नहीं हो रही, पिछली बैठक में भी एक एस्टीमेट तैयार कर रहे हैं, इस बैठक में भी कहा गया तैयार कर दिया, उसका टाइम लगता है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।